अस्सलामु अलैकुम, माई नेम इज़ उसामा मजीद। टुडे माई लेक्चर इज़ फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.4, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइज करना है हर किसी फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टर थ्योरम से। क्वेश्चन 8 लास्ट है आपका। 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स लेट करेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल है स्टूडेंट्स 2x³ प्लस x² माइनस का 2x और माइनस का 1। इसमें स्टूडेंट्स अब जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है। एक्सपेक्टेड जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स आर, फर्स्ट में तो आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें प्लस माइनस 1 ही आएगा, 1 का फैक्टर 1 होता है। अब स्टूडेंट्स जो हाईएस्ट वेरिएबल है x³, उससे पहले उसका कोएफिशिएंट आ रहा है 2। अब इसको स्टूडेंट्स प्लस माइनस 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस 1/2। 2 नंबर डिवाइड हो गया फैक्टर के साथ आगे। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन पी ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पुट करेंगे, पी इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का क्यूब स्टूडेंट्स 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 2 1s आर 2 और माइनस का 1। पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 1s आर 2 प्लस 1 माइनस 2 और माइनस 1 को ऐड करेंगे माइनस का 3। पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 माइनस 3 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, पी ऑफ 1 इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 के। एज रिमाइंडर इक्वल आ गया स्टूडेंट्स 0 के, सो अब स्टूडेंट्स हमने फैक्टर बनाना है। 1 नंबर लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये फैक्टर है स्टूडेंट्स पी ऑफ एक्स का, इसमें रिमाइंडर का आंसर 0 के इक्वल आया है। अब स्टूडेंट्स पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इन पी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे माइनस 1 पुट करेंगे, पी इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस का 1। पी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 2 1s आर 2 माइनस 1। पी ऑफ माइनस 1 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, 1 और 2 को प्लस करेंगे प्लस का 3 और माइनस का 1। पी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3, माइनस 2 और माइनस 1 को ऐड किया स्टूडेंट्स माइनस 3 आ गया प्लस 3, इनको माइनस करेंगे तो पी ऑफ माइनस 1 इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 के। एज रिमाइंडर इक्वल आ गया स्टूडेंट्स 0 के, सो अब फैक्टर बनाना है इसका स्टूडेंट्स। 1 नंबर लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इज द सेकंड फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये स्टूडेंट सेकंड फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, इसमें रिमाइंडर का आंसर 0 के इक्वल आया है। अब स्टूडेंट्स पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 1/2 इन पी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे आप 1/2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा पी इंटू एक्स की जगह पे स्टूडेंट्स आ जाएगा 1/2। पी इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का क्यूब 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वेयर 1/2 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस 1। पी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का क्यूब लेंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब स्टूडेंट्स 8 होता है, प्लस 1/2 का स्क्वेयर लेंगे, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट माइनस 1 और माइनस 1।
पी ऑफ वन बाय टू इज इक्वल टू टू फोर जार एट होता है स्टूडेंट्स वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर माइनस वन और माइनस वन को ऐड करेंगे माइनस का टू पी ऑफ वन बाय टू इज इक्वल टू फोर स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाएगा वन प्लस वन माइनस फोर टू जार एट पी ऑफ वन बाय टू इज इक्वल टू अब स्टूडेंट्स माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एट प्लस टू वन और वन को ऐड करेंगे टू आ जाएगा और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स फोर पी ऑफ वन बाय टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स बाय फोर स्टूडेंट्स अब ये टू के टेबल पे कट होते हैं दोनों तो पी ऑफ वन बाय टू स्टूडेंट्स इक्वल आ जाएगा माइनस थ्री बाय टू स्टूडेंट्स ये इसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं आया सो एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू इज नॉट अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स ये जीरो नहीं है स्टूडेंट्स पी ऑफ एक्स का इसमें रिमाइंडर का आंसर जीरो के इक्वल नहीं आया अब पुट करेंगे स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू इन पी ऑफ एक्स एक्स की जगह पे अब स्टूडेंट्स माइनस वन बाय टू पुट करेंगे पी इन टू एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू टू इन टू माइनस वन बाय टू का क्यूब प्लस इन टू माइनस वन बाय टू का स्क्वेयर माइनस टू इन टू माइनस वन बाय टू माइनस वन पी ऑफ माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू टू इन टू अब स्टूडेंट्स माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है और टू का क्यूब स्टूडेंट्स एट होता है प्लस माइनस वन का स्केयर स्टूडेंट्स प्लस वन होता है टू का स्केयर होता है फोर अब टू और टू आपस में कैंसिल आउट यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस प्लस का वन और माइनस का वन पी ऑफ माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू टू फोर जार एट होता है स्टूडेंट्स माइनस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन माइनस वन अब स्टूडेंट्स माइनस वन ओवर फोर प्लस वन ओवर फोर से कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस वन माइनस वन से कैंसिल आउट तो पी ऑफ माइनस वन पी ऑफ माइनस वन बाय टू स्टूडेंट्स इक्वल आ जाएगा जीरो के माइनस वन ओवर फोर प्लस वन ओवर फोर से कैंसिल आउट प्लस वन माइनस वन से कैंसिल आउट तो ये स्टूडेंट्स जीरो आ गया एज रिमाइंडर इक्वल स्टूडेंट्स जीरो के सो अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसका फैक्टर बनाना था एक्स इक्वल था स्टूडेंट्स माइनस वन ओवर टू टू मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वेरिएबल के साथ टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन को स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे टू एक्स प्लस वन एज रिमाइंडर इक्वल है जीरो के सो टू एक्स प्लस वन इज द थर्ड फैक्टर ऑफ P ऑफ x ये थर्ड फैक्टर है P ऑफ x का इसमें रिमाइंडर का आंसर जीरो के इक्वल आया है अब स्टूडेंट्स फैक्टराइज फॉर्म लिखेंगे फैक्टराइज फॉर्म ऑफ P ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस का टू एक्स माइनस वन इज P ऑफ x इक्वल फर्स्ट फैक्टर था स्टूडेंट्स x माइनस वन सेकेंड फैक्टर था x प्लस वन और थर्ड फैक्टर आया स्टूडेंट्स 2x प्लस वन तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.4 हैव बीन कंप्लीटेड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.4 देन यू विल कमेंट मी अल्लाह हाफिज़